मन की प्रकृति बड़ी विचित्र है। किसी भी छोटी सी समस्या का समाधान न मिलने पर मन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। यदि समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो वो एक बिगड़ेल घोड़े की तरह ऐसी ऐसी दिशाओं में भटकने लगता है जिसका समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। कृतवर्मा को भी सच्चाई नहीं दिख रही थी। वो कभी दुर्योधन को, कभी कृष्ण को दोष देते तो कभी प्रारब्ध कर्म और नियति का खेल समझकर अपने प्रश्नों के हल निकालने की कोशिश करते। जब समाधान न मिला तो दुर्योधन के प्रति सहज सहानुभूति का भाव जग गया और अंततो गत्वा स्वयं द्वारा दुर्योधन के प्रति उठाए गए संशयात्मक प्रश्नों पर पछताने भी लगे। प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन का मिट पाया का 22वां भाग। मेरे भुजबल की शक्ति क्या दुर्योधन ने ना देखा, कृपाचार्य की शक्ति का कैसे कर सकते अनदेखा। दुख भी होता था हमको और किंचित ईर्ष्या होती थी, मानो वो चित विष अग्नि उर्मे जलती थी बुझती थी। युद्ध लड़ा था जो दुर्योधन के हित में था प्रतिपल क्या, बीज चने के भुने हुए थे क्षेत्र परिश्रम ऋतु फल क्या। शायद मुझसे भूल हुई जो ऐसा कटु फल पाता था, या विवेक में कमी रही थी कंटक दुख फल पाता था। या समय का रचा हुआ लगता था पूर्व निर्धारित खेल, या मेरे प्रारब्ध कर्म का दुचित वक्त प्रवाहित में। या स्वीकार करु दुर्योधन का मति ब्रह्म था ये कहकर, या दुर्भाग्य हुआ प्रस्फुटन आज देख स्वर्णिम अवसर। मन में शंका के बादल जो उमड़ घुमड़ के आते थे, शेष बची थी जो कुछ प्रज्ञा धुंध घने कर जाते थे। क्यों कर का ना ने मुझको दुर्योधन के साथ किया, या ना हक ही था ब्रह्मना के सौने कोई शांत दिया। या गिरधर की कोई लीला थी शायद उपाय फलाया, या अल्प बुद्धि अभिमानी पे माया का जाल फला। अविवेक नयनों पे इतना सत्य दृष्टि न फलता था, या मैंने स्वकर्म रचे जो उसका ही फल फलता था। या दुर्बुद्धि फलित हुई थी ना इतना सम्मान किया, मृतसैया पर मित्र पड़ा था ना इतना भी ध्यान दिया। क्या सोचकर मृतगामी दुर्योधन के विरुद्ध पड़ा, निज मन चितवन घने बंद निद्वंद में मैं मेरे प्रतिबुद्ध पड़ा। क्या सोचकर मृतगामी दुर्योधन के विरुद्ध पड़ा, निज मन चितवन घने द्वंद में मैं मेरे प्रतिरुद्ध अड़ा। तो दोस्तों, ये थी मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन का मिट पाया का 22वां भाग। और यदि आप लोगों को ये कविता पसंद आई तो अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत कराएं, ताकि इस कविता को मैं और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।